हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति हमेशा दूसरे के अनुभवों का फायदा उठाता है। ए वाइज पर्सन ऑलवेज टेक्स एडवांटेज ऑफ अदर पर्सन। तो आपके लिए मैं आज लाइफ चेंजर साबित होऊंगा। यह कमाल का अमेजिंग वीडियो टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगी, आपके जीवन से हमेशा के लिए, सदा के लिए भय मुक्त कर देगी। यू विल बी फियरलेस। यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति, प्रगति या सफल होना है, उद्यमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो आप मुझे अंत तक जरूर सुने। आज संसार में ज्यादातर लोग अपने भय से असफल है। कोई और दूसरा कारण नहीं है, ओनली फियर ऑफ फेलियर। करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है ओनली फियर ऑफ फेलियर के कारण। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू ओपन योर आईज ओनली पर्पस दिस वीडियो। इस प्लेनेट पर मात्र दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला, रिस्क टेकर, जो जोखिम को उठाना जानते हैं, जोखिम उठाते हैं, जो संसार के 20% लोग हैं। दूसरा, नॉन रिस्क टेकर, गैर जोखिम उठाने वाले लोग, जो संसार के 80% लोग हैं। 80% पीपल आर द विक्टिम ऑफ फियर ऑफ फेलियर। क्या आपने कभी सोचा है, मात्र मुट्ठी भर लोग समाज की, देश की, संसार की, खुद की तकदीर और तस्वीर बदल देते हैं। मात्र मुट्ठी भर लोग अपना इतिहास लिख डालते हैं, गांव में, समाज में और देश में। मात्र मुट्ठी भर लोग के सामने प्रतिकूल परिस्थितियां भी घुटना टेक देती है, जो विषम हालातों में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं, जो हर चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और हर परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, वो होते हैं रिस्क टेकर्स, जो संसार में 20% रिस्क टेकर हैं और 80% नॉन रिस्क टेकर्स हैं, गैर जोखिम उठाने वाले लोग। रिस्क टेकर कैसे इतिहास बदलते हैं, कैसे अपने सपनों को पूरा करते हैं, कैसे रिस्क टेकर सोचते हैं, मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। रिस्क टेकर्स की विजन बहुत ही क्लियर होता है, कामयाब होके ही रहूंगा। दिस इज द स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी ऑफ रिस्क टेकर, कामयाब होके ही रहूंगा। दिस इज द स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी ऑफ रिस्क टेकर, वन माइंडसेट, कामयाब होके ही रहूंगा। लाइफ इज वेरी प्रीशियस, इच लाइफ इज प्रीशियस, जीवन बेशकीमती है, इसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। लाइफ नेवर गिव्स गारंटीज एंड वारंटीज, लाइफ डजेंट प्रोवाइड गारंटीज एंड वारंटीज, इट ओनली प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज। इसलिए इस धरती और आसमान के बीच में सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है, वह मेरा गोल, मेरा मंजिल, मेरा संकल्प। यह दृढ़ संकल्प रिस्क टेकर का होता है। रिस्क टेकर जानते हैं, जोखिम उठाने वाले जानते हैं, लाइफ नेवर गिव्स अनदर चांस फॉर एनीथिंग, एंड लाइफ इज मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, फेलियर एंड सक्सेस कंप्लीमेंट इच अदर। लाइफ इज नॉट ऑलवेज ए स्मूथ, वन फेलियर डजेंट मीन दैट गेम इज ओवर, वन फेलियर डजेंट मीन दैट गेम इज ओवर। फेलियर मेक्स ए स्ट्रॉन्ग, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। ए विनर इज नॉट मेड इन ए डे, ए विनर इज नॉट मेड इन ए डे, ही हैज टू वर्क फॉर लॉन्ग, मे बी ईयर। सक्सेस गोल डिमांड्स टाइम, ये सारी बातें रिस्क टेकर जानते हैं। इसीलिए रिस्क टेकर्स टेक रिस्क,
बिकॉज लाइफ इज लार्जर देन फियर, बिकॉज लाइफ इज लार्जर देन फियर. रिक्स टेकर्स नेवर अंडर एस्टिमेट देयर यूनिक टैलेंट. दे फेस एवरीथिंग एंड रन, दे फेस एवरीथिंग एंड राइज. रिक्स टेकर्स नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. जोखिम उठाने वाले कभी भी असफलता से घबराते नहीं है. रिक्स टेकर्स क्रिएट देयर ऑन आइडेंटिटी बिकॉज दे बिलीव इन एक्शन. वर्ल्ड ओनली सी रिजल्ट नॉट योर एफर्ट्स एंड नथिंग हैपन्स इन लाइफ बाई एक्सीडेंट. ओनली एक्शन कैन गिव डिजायर्ड रिजल्ट. दीज आर ब्यूटी ऑफ रिक्स टेकर्स. अब बात करते हैं 80% नॉन रिक्स टेकर की, गैर जोखिम उठाने वाले 80% की बात करते हैं. फर्स्ट, दे आर पार्ट ऑफ मोब. पहली बात कि ये भीड़ का हिस्सा बना रहना चाहते हैं. रिक्स टेकर भयभीत होते हैं और रिक्स लेना नहीं चाहते हैं. सबसे बड़ा रोग इनको होता है फियर ऑफ फेलिंग, फियर ऑफ फेलियर. फियर ऑफ फेलियर इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन देयर लाइफ. फियर ऑफ फेलियर इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन देयर लाइफ. नॉन रिक्स टेकर्स डोंट एक्सेप्ट चैलेंज एंड चेंज. गैर जोखिम उठाने वाले लोग चुनौती और परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं. सबसे बड़ी असफल होने का यही कारण है. बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रिक्स टेकर्स आर गेम चेंजर. आइए कुछ ऐसे कहानी मैं बता रहा हूं आपको जिनके सामने भय जो है सर झुकाती है. आपको पता है कि स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर्स एंड क्लियर स्काई नेवर मेक गुड पायलट. अगर हिंदी में कहें तो खतरा हर चीज में है, खतरा हर चीज में है. अगर खतरा नहीं होते तो इतनी सारी खतरों और हौसलों की कहानी नहीं होता. ऐसे रिक्स टेकर्स जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रत्ती भर अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए. रिक्स टेकर्स आर गेम चेंजर्स. रिक्स टेकर्स आर फियरलेस. लाइफ इज लार्जर देन फियर. भगत सिंह, अरुणिमा सिन्हा, सर एडमंड हेलरी, नेपोलियन बोनापार्ट, ऐसे लोग जिनके पास रत्ती भर भय नहीं था. भगत सिंह शहीद आजम, नेशनल फ्रीडम फाइटर. यदि भगत सिंह, अगर भगत सिंह को मौत का भय होता तो क्या वो इतना बड़ा राष्ट्रीय संघर्ष की छाप हम पर छोड़ पाते? कदापि नहीं. अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली दिव्यांग महिला जो कृत्रिम पैर आर्टिफिशियल लेग के सहारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह की. अगर इनको अपनी मौत की और जीवन की जरा सा भी भय होता तो क्या यह कर पाती? सर एडमंड हेलरी 1953 में विश्व का पहला व्यक्ति जो एवरेस्ट पर झंडा गाड़ा. अगर इनको रत्ती भर भी अपने जीवन का मौत का भय होता तो क्या यह कर पाते? कभी ये विश्व का एवरेस्ट का पर्वतरोही न बनते, विश्व का पहला एवरेस्ट पर्वतरोही नहीं बनते. तो दुनिया को उन्होंने सिखाया कि भय के आगे जीत है. रिक्स टेकर्स आर फियरलेस. रिक्स टेकर्स आर फियरलेस. विक्ट्री इज अहेड ऑफ फियर. विक्ट्री इज अहेड ऑफ फियर. आज नेपोलियन बोनापार्ट को कौन नहीं जानता है? उसकी हौसले और जज्बे की कहानी आज पूरा विश्व कहती है. नेपोलियन बोनापार्ट के बुलंद हौसलों की कहानी जो अल्पास विशाल एंड गगनचुंबी पर्वत को अपने सैनिकों के साथ पार किया जो असंभव था. नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा कहता था रिक्स आर
फॉर ब्रेव, जोखिम बहादुरों के लिए है, एंड फियर इज फॉर लूजर्स एंड कावर्ड्स, भय जो है डरपोक और हारने वाले के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग डरते नहीं हैं, वे वास्तव में वो लोग जीवन को स्वतंत्र रूप से और पूरी तरीके से पूरी तरह से जीते हैं और अपने इतिहास को लिख डालते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सो डोंट एक्सेप्ट योर पथ टू बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। माय मैसेज इज वेरी क्लियर दैट लाइफ इज लार्जर देन फियर एंड इच ह्यूमन हार्ट इज ए टाइगर, सो रिस्क टेकर्स आर गेम चेंजर। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।